टीवी सीरियल्स में एक्टर्स का सिलेक्शन आखिर होता कैसे है? किस तरह के एक्टर को या किस तरह की पर्सनैलिटी को मेन लीड के लिए चुना जाता है? क्यों कोई खास प्रोडक्शन हाउस या चैनल एक खास तरह के चेहरे को ही पसंद करता है? ऐसे बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन उठते होंगे कि मेरा रंग सांवला है, मेरी हाइट कम है, मेरी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? यही सारे डाउट्स दूर करूंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। टीवी एक्ट्रेस जो भी आज काम कर रही हैं उनको देखकर आपको लगता है कि काश मैं भी वहां पर होती तो कितना अच्छा था। लेकिन इसके बाद आप ही के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि शायद मैं उतनी सुंदर नहीं दिखती हूँ, मेरा रंग उतना साफ नहीं है, मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक हीरोइन की होनी चाहिए, या मेरी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं आज के पूरे वीडियो में कि ये मैं मिथ साबित कर दूंगा कि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। टीवी और टीवी की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल अलग तरह की है। आप अगर टीवी सीरियल्स में हीरोइंस को देखेंगे तो बहुत सारी हीरोइंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, बड़े कॉमन लुकिंग फेस होते हैं, जो कि एकदम बोलते हैं ना नेक्स्ट डोर गर्ल, बिल्कुल ऐसे कॉमन फेसेस जिससे कि ऑडियंस रिलेट कर पाए। आपके साथ मैंने बहुत सारे इंटरव्यू शेयर किए और आपने देखा है कि बहुत ही कॉमन फेसेस आजकल वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो एक्ट्रेस का चुनाव होता है वो चुनाव होता है उस करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब होता है तो वहाँ पर क्या हाइट है, क्या रंग है, और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, 100% देखी जाती है। लेकिन क्राइटेरिया ये बिल्कुल नहीं होता कि वो गोरी ही होनी चाहिए, उसकी हाइट इतनी ही होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर कुछ खास करेक्टर्स के लिए होता है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो टीवी सीरियल में जितने नेगेटिव करेक्टर करती हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वो शार्प होते हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो मेन लीड कर रहा है वो बिल्कुल कॉमन फेस होता है। इसलिए इस बात से आप पूरे भरोसे में आ सकते हैं कि अगर आपका बहुत ही कॉमन फेस है तो भी कोई बात नहीं, बस आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, उसको डेली ग्रूम कीजिए। बहुत ही आसान है ग्रूमिंग करना। आजकल YouTube पे बहुत सारे इस तरह के फैशन ब्लॉगर या ब्यूटी टिप्स देने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उनको देखना शुरू कीजिए, अपने आप की ग्रूमिंग कीजिए और तैयार हो जाइए। अब आती है बात कि मैं एक एक करके आपका जो मिथ है वो दूर करता हूँ, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूं तो मैं जानता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं होती। हाँ, लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो वो आपको इसी तरह से डराते हैं, इसी तरह समझाते हैं कि देखो तुम्हारा तो कलर ऐसा है, तुम्हारी तो हाइट ऐसी है, अब तो एज इतनी हो चुकी है, तो वो इस तरह से आपको डराते हैं। लेकिन मैं एक फिल्म मेकर हूं, एक्सपर्ट हूं, 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो ये जानता हूं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपका जो सपना है वो हकीकत में एक दिन बदल पाए। क्योंकि यहाँ पर 3000 के आसपास वीडियो अवेलेबल हैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि बॉलीवुड में एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले आते हैं हाइट पर, कि अगर हाइट अच्छी नहीं होती है तो हमें एंट्री नहीं मिलती है। एक हीरोइन की हाइट जो है कम से कम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल मिथ है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट कम है उसके बाद भी वो मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूँगा जूही असलम का। जूही असलम की हाइट तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, उसके बाद उनका सिलेक्शन इसी वजह से हुआ कि उनकी हाइट कम है। यहाँ पर सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि जिनकी हाइट कम है उनको लगता है कि यार हमें तो कोई नहीं लेगा, लेकिन जब कम हाइट के लोग चाहिए होंगे तो आपके कंपटीशन में कोई नहीं होगा अगर आपको एक्टिंग अच्छे से आती है। क्योंकि कई बार इस तरह के करेक्टर भी निकल कर आते हैं जिनकी हाइट वाकई कम ही चाहिए, करेक्टर ही ऐसा है, तो जूही असलम उसमें से एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेन एक्ट्रेस, मेन लीड हीरोइंस हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, जिनके नाम हैं हेली शाह, जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, बहुत सारे सीरियल्स में आई हैं। टीना दत्ता, इनकी भी हाइट 5 फुट 2 इंच है। माही विज की हाइट तो 5 फिट 1 इंच है। रूबीना दिलाय, इनकी हाइट तो सिर्फ 5 फिट है। तो देखिए इनका भी सिलेक्शन हुआ, मेन लीड एक्ट्रेस बन के आए, इसलिए हाइट क्राइटेरिया नहीं है। अब आ जाते हैं डस्की कॉम्प्लेक्शन पे, या कि रंग साफ नहीं है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो क्या काम मिलेगा। साक्षी तंवर आप जानते हैं, उनका भी रंग साफ नहीं है, लेकिन कितने सालों तक उन्होंने सीरियल किया और अब तो उन्होंने फिल्में भी कर ली हैं। तो ये भी एक मिथ है कि डार्क कलर होने से काम नहीं मिलता है। इसके बाद और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे शिवांगी जोशी जो कि नायरा का किरदार कर रही हैं, उनका भी कलर पूरी तरह से साफ नहीं है। पारुल चौहान बहुत सारे सीरियल कर चुकी हैं, विदाई और इसके अलावा भी बहुत कुछ, उनका भी कलर साफ नहीं है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी मेन लीड एक्ट्रेस बन के आती हैं। इसके बाद हैं श्वेता साल्वे, इनका भी कलर साफ नहीं है, गोरा नहीं है। इवन अनीता हंसनंदानी है, उनका भी डस्की स्किन है। आपका कलर कोई भी हो, स्किन टोन कोई भी हो, आपकी हाइट कोई भी हो, आपका लुक कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको सिर्फ एक्टिंग आनी चाहिए। मैंने बहुत दिनों पहले एक इंटरव्यू लिया था गुड़िया हमारी सभी पे भारी में, उसमें थी सारिका बहरोलिया। हालांकि उनका कलर साफ है लेकिन उसमें थोड़ा सा डस्की दिखाया गया, लेकिन उनका जो लुक है वो बिल्कुल कॉमन फेस है, नॉर्मल लुक है। और उन्होंने खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा नामी गिरामी और बहुत खूबसूरत लड़कियाँ भी थी, लेकिन लास्ट में सिलेक्शन उनका हुआ क्योंकि करेक्टर के साथ वही मैच कर पा रही थी, लैंग्वेज को वही मैच कर पा रही थी। अब जब ये क्राइटेरिया नहीं है, मतलब हाइट क्राइटेरिया नहीं है आपका, आपका लुक जो है पर्सनैलिटी वो क्राइटेरिया नहीं है, आपका कलर क्राइटेरिया नहीं है, अब आ जाते हैं एज पे। एज में भी कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारी 26-27 साल की उम्र होगी तो हमें मेन लीड नहीं मिलेगा। शुभांगी आत्रे जो कि अंगूरी भाभी का रोल करती हैं, उन्होंने भी 30 की एज में शुरुआत की है। अभी अभी हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस की दूसरे शहर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, और 35 की एज में आज वो सीरियल्स में काम कर रही हैं बहुत ही सफलतापूर्वक। अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपकी एक्टिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप किस पे काम कर सकते हैं? अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं, जितना ग्रूम कर सकते हैं करिए, इसके साथ साथ अपनी एक्टिंग पे ध्यान दीजिए। एक्टिंग अगर अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। होता ये है खास तौर से गर्ल्स क्या करती हैं, वो अपने लुक को लेकर ज़्यादा चिंतित होती हैं लेकिन अपने जो स्किल्स हैं, अपना जो टैलेंट है उस पर काम नहीं करती। आपको अपने स्किल्स पे, टैलेंट पे काम करना है, उससे आपको काम मिलेगा। पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, उससे आपका लुक सुधर जाएगा। बाकी सारी बातों को आप एक तरफ हटा दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लैंग्वेज आपकी साफ होनी चाहिए। लैंग्वेज क्लियर होगी तो आप हर तरह के रोल कर पाएंगे, हर चीज़ों को कर पाएंगे। अगर कोई करेक्टर मिला जैसे गुड़िया हमारी सभी पे भारी पे, उसमें थोड़ा सा बचकाना था करेक्टर और उसके साथ साथ भाषा भी चेंज थी। अब अगर आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है तो आप अपनी भाषा और टोन चेंज कर लेंगे बड़ा आराम से। और अब तो ये इतना आसान हो गया है इस डिजिटल वर्ल्ड में, ये ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि आज गर्ल्स जो डरती थी कि मुंबई आके सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, पेरेंट्स डरते थे कि भाई अगर ये मुंबई जाके सीखेगी तो अकेली रहेगी तो कैसे होगा, वहाँ पर कैसे ये करियर बनाएगी अकेले रहते हुए, फिर पेरेंट्स अगर साथ नहीं जा पा रहे हैं तो भी मुश्किल है। तो ये सब डर भी आज दूर हो गए। अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पर आप अपने घर पर रहते हुए बड़े आसानी से, ईजिली घर पर रहते हुए पेरेंट्स के सामने एक्टिंग सीख सकते हैं, अपने आर्ट पे, क्राफ्ट पे, टैलेंट पे काम कर सकते हैं, अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। 1-to-1 हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे और आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करने लग गए। अब एक्टिंग तो सीख ली, लेकिन ऑडिशन भी ऑनलाइन दे सकते हैं, क्योंकि अब सिस्टम फिल्म इंडस्ट्री का पूरी तरह से चेंज हो गया है। आप अपने शहर से, अपने घर से ही ऑडिशन देना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे ऐसे ही किया, अपने शहर से ही ऑडिशन देने शुरू किए और जब रेगुलर सिलेक्शन होने लग गया तब मुंबई शिफ्ट हो गए। तो आप भी इसी तरह से इकोनॉमिकल वे में, अफोर्डेबल वे में और कन्वीनियंट वे में अपना रास्ता बनाएं, लेकिन अपने सपने को छोड़े नहीं, क्योंकि जॉइंट फिल्म्स का मिशन है कि कोई भी कहीं से भी अगर कलाकार बनने की सोचता है तो ना तो वो घबराए, ना ही उसका परिवार घबराए। तो अगर आप इन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, टीवी में एक एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो अभी के अभी जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, 8433-66-6618 पर। वहाँ पर कॉल कीजिए और गाइडेंस लीजिए कि आप अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक नई उम्मीद मिली होगी, नई ऊर्जा मिली होगी और इंस्पायर भी हुए होंगे कि आप भी एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकती हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस तरह के आपके डाउट्स हैं जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा कमेंट करके, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।